दोस्तों हमारे साथ एक महिला पेशेंट आप देख रहे हैं, अनवांटेड हेयर चिन पर देख रहे हैं और ये अपर लिप पर देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी तकनीक जानेंगे जिससे हम परमानेंट हेयर रिमूवल कर सकेंगे और जो अनचाहे बाल हमारे चेहरे पे या शरीर के बाकी हिस्सों पे आते हैं उससे परमानेंट निजात पा सकेंगे। पहले समझते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है और बीच बीच में जानेंगे कि इस प्रोसीजर के क्या क्या लाभ हैं, कैसे ये काम करता है, सब चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम बालों को ट्रिम करते हैं रेजर से। जहाँ पे हमने परमानेंट हेयर रिमूवल करना है वहाँ के बालों को निकाल देते हैं, ट्रिम कर देते हैं रेजर से। आप देख रहे हैं कि पेशेंट की अपर लिप के बाल रेजर के द्वारा निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये ट्रिम करने का होता है। ट्रिम ये इसलिए किया जाता है कि जो जिस फिलोसफी पे लेजर हेयर रिमूवल काम करती है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव फोटो थर्मोलिसिस। इसके अंदर जो हमारी पिगमेंट होती हैं, मेलिनोसाइट सेल्स होती हैं, उसके अंदर पिगमेंट होता है मेलेनिन, और ये मेलेनिन पिगमेंट तक जब लेज़र पहुंचती हैं तो मेलेनिन डार्क पिगमेंट होने के कारण से इन लेज़र को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब लेज़र एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो मेलेनिन के जरिए जो हेयर फोलिकल है वो इवेपोराइज हो जाता है और धीरे धीरे बाल करके अपनी रूट को छोड़ने लग जाता है। तो आप देखिए, अभी हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर लेज़र करने से पहले रिमूव कर लिया अपर लिप से और चिन से सारे बालों को। क्या ये सच में परमानेंट उड़ जाते हैं? ये परमानेंट लेज़र जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, सबसे इफेक्टिव है ये, और 80% पेशेंट के अंदर बाल दोबारा आने की संभावना नहीं होती। ये क्या लगा रहे हैं? ये जेल है, स्किन की सेंसिटिविटी को कम करने के लिए जेल लगाया जाता है, सूदिंग जेल इसे बोलते हैं। जहाँ पे लेज़र हेयर रिमूवल किया जाना है उस सारे के सारे हिस्से पर पहले ट्रिमिंग की आपने देखा, और अब ये जेल के द्वारा स्किन को सेंसिटिवनेस कम करते हैं और सूथिंग करते हैं। इसके बाद लेज़र अप्लाई की जाएगी और जो लेज़र मेलेनिन तक पहुंचकर इन बालों को रिड्यूस कर देगी। इसकी लगभग 6 से 8 सिटिंग होती है, 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक के अंतराल पे दूसरी सिटिंग दी जाती है। पहले सिटिंग के बाद पेशेंट को 25% तक फ़ायदा दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये के इस मशीन से क्या? ये लेज़र मशीन है, आप देख रहे हैं, ये लेज़र मशीन है और ये इसका पोर्ट है। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर कूलेंट होते हैं, ये फ्रीजिंग, आप यहाँ हाथ अगर लगाएंगे तो ये बहुत ठंडा होता है यहाँ पे, ताकि पेशेंट की स्किन को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इस पार्ट को स्किन के ऊपर लगाएंगे और इसके अंदर से लेज़र निकलेंगी, ये लेज़र मेलेनिन पिगमेंट तक पहुँचेंगी, वो इसे एब्जॉर्ब करेगा और बाल को रिड्यूस करने का काम करेगा। बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और बहुत कम समय इसमें लगता है। आप देख रहे हैं, जैसे ही प्लक होता है तो लाल रंग की ये लेज़र निकलती है, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसे हमें आंखों से बचाना होता है, इसलिए आंखों को कवर किया जाता है ताकि वो लेज़र आपकी आंखों को कोई नुकसान ना कर सके। ये दर्द तो नहीं करता? कोई, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, बिल्कुल बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है और किसी भी तरह की समस्या इसके अंदर नहीं आती है। थोड़ा हमें ध्यान ही रखना होता है कि पेशेंट की स्किन पे जब ये अप्लाई किया जाए तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल पेशेंट की स्किन पे ना हो। पेशेंट को कुछ दिन पहले धूप से बचना होता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यदि पेशेंट कोई एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन एस्पिरिन जो ब्लड को पतला करती हैं वो अगर लेता है तो उससे बचे, तब पेशेंट के बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक बार इसमें और देखने की आती है कि जो डार्क कलर हेयर होते हैं और कोर्स हेयर होते हैं, मोटे बाल होते हैं और ज़्यादा काले रंग के बाल होते हैं, उनके अंदर लेज़र के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं बजाय के पतले और ब्राउन, जो भूरे रंग के बाल होते हैं और पतले होते हैं उनमें कम रिजल्ट आते हैं। और जिन पेशेंट की स्किन लाइट कलर की होती है, जिनका रंग गोरा होता है, साफ होता है, उसके अंदर लेज़र के अच्छे रिजल्ट आते हैं बजाय उन पेशेंट के जिनका रंग डार्क होता है। उन पेशेंट के लिए एक लेज़र की टाइप अलग होती है जिसे हम याग लेज़र कहते हैं। ये टेम्परेचर वगैरह क्या होता है? ये टेम्परेचर हम पेशेंट की स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से, जहाँ पर लेज़र अप्लाई की जानी है उस एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, पेशेंट की बाल की थिकनेस के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से वो करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है। बड़ा ही टेक्निकल काम है और बड़ी ही इसको करने के लिए बड़ी नॉलेज चाहिए, इसको करने के लिए बड़ा नॉलेज चाहिए ताकि किसी भी तरह का पेशेंट को रिजल्ट दिखा रहे हो आप। अभी आप देखिए, ये सारा पेशेंट का हमने लेज़र कर दिया है, बाद में जो ये जेल लगाई गई है उसे रिमूव कर दिया जाता है। जिन पेशेंट की स्किन सेंसिटिव होती है उन पेशेंट को
बाद में मॉइस्चराइजर या जेल भी लगाया जाता है चेहरे पे। ये देखिए रिजल्ट पेशेंट आप देखिए अभी तो खैर क्योंकि हमने पहले ट्रिम कर दिया था इसलिए आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब पेशेंट को बाल मान लो 15 दिन बाल बाद बाल आते हैं इनको कैसा आपको लगा? कोई पेन तो नहीं फील हुई? नहीं। करते हुए किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं नहीं। आपकी कौन सी सिटिंग है ये? फिफ्थ सीटिंग है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप फिफ्थ सीटिंग के बाद? बहुत अच्छा हो गया, पहले से जो हेयर्स हैं जो थिक थे बहुत पहले से पतले हो गए हैं, लाइट हो गए हैं, बिल्कुल लाइट हो गए। आपने देखा भी था जब हमने ट्रिम किया था तो बिल्कुल बाल बारीक बाल पेशेंट के थे, जब पहली सीटिंग इनकी हुई थी तो कोर्स बाल थे और डार्क बाल थे। तो आप देखिए बीएससीए क्लिनिक पर ये सर्विस सभी क्लिनिक पर मौजूद है, आप ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर आप फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल बीएससीए क्लिनिक की ओर से कनाल प्लस का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।